हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मन एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं किसकी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2019-20। आज 18 मार्च को आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको देखने वाले हैं, जीके जीएस के। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको डेली वीडियो चाहिए, आपके क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपको एक काम करना होगा, क्या वीडियो के बाजू में दिख रहा होगा बेल आइकन, उसको प्रेस कर लो ताकि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ जी दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं आपके क्वेश्चंस। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ गए अगली स्लाइड में और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया है, क्या प्रश्न है, भारत का CDS कौन है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि अब भारत में CDS भी होने लगा है, जो कि तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जल थल एंड वायु। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत भारत का CDS है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अच्छे से रीड करिए। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा क्या, अमिताभ बच्चन को। जी हाँ दोस्तों, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे कि आप डेली देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन आपका नियुक्ति से पर डे बन ही रहा है, तो आप जो जो नियुक्तियां अभी तक हुई हैं 2020 एंड 2019 में उनको रट लो। एंड इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपका डेली पर डे बन रहा है नृत्य से, तो आप वहां से नृत्य कंप्लीट कर लीजिए। हर एक स्टेट का किसका क्या है, एक क्वेश्चन आपका डन है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 3 लग गया है। देखिए, कथक डांस कहाँ का है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, बट आपको बताना है जो कथक डांस है वो किस स्टेट का है। तो दोस्तों को बता दें, यहाँ पर राइट आंसर जाता है क्या, जो कथक है वो आपका यूपी या उत्तर प्रदेश का लोक आपका नृत्य है। यदि पूछे क्या कथक कली, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका केरल का, है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक ही वर्ड है, थोड़ा सा माइनस डिफरेंस है कथक और कथक कली में, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जरा रीड कीजिए। आपसे पूछा गया है 1 GB बराबर होता है, तो दोस्तों आपको बताना है क्या, आपको 1 GB या गीगाबाइट बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर करना था क्या, 1024 MB मेगाबाइट। दोस्तों आपको यहाँ पर जो यूनिट्स दी रहती हैं, आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपको इन सभी को याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पर डे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा, एक क्वेश्चन आपके पॉलिटी यहाँ पर आर्टिकल से पर डे पूछा जा रहा है। आज पूछा गया है क्या, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आपको वित्तीय आपातकाल यहाँ पर राइट आंसर जाता है 360। ओके, वित्तीय आपातकाल आपका 360 अनुच्छेद में वर्णित है। अब आपके जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपको याद रखना है, जैसे कि संसद किस में वर्णित है, विधानसभा या फिर आपका विधान परिषद। दोस्तों इन सभी को याद कर लेना, खासकर आपके जो प्रेसिडेंट हैं, इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको भी याद कर लेना मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज पूछा गया है, क्या खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना था, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है 2020, उसका आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाता है आसाम। जी हाँ दोस्तों, अब बात आई है यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम की, तो आपके जो जो गेम है आपके आयोजन आपको याद रखना है, किसका कहाँ पर हुआ है और कौन जीता है कौन हारा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पर डे देखने को मिलेगा। और खासकर जो मैन स्पोर्ट्स मैन है उनके नाम याद रखना है, उनके स्टेट का नाम याद रखना है, हो सकता है पूछ ले। जी हाँ दोस्तों, और उनके गेम का नाम भी याद रखना है, किसका संबंध किससे है, पर डे आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पर डे बायोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन, तो आज भी पूछा गया है क्या, काले हिरण का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एंटीलोप सैरी विकाप्रा। ओके, काले हिरण का साइंटिफिक या वैज्ञानिक नेम है एंटीलोप सैरी विकाप्रा। अब आपको गेहूं का, आपको ह्यूमन का, आपको काऊ का, आपको इन सभी चीजों के वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए ट्रिक पर,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पर डे देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या मुद्रा योजना किससे रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यह प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम थी जो कि गैर कारपोरेट सेक्टर में व्यवसायिक लोन से संबंधित है। जो व्यक्ति या जो बेरोजगार अपना क्या व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता है सीमित लोन के आधार पर, तो वहां पर उसको लोन दी जाती है गैर कारपोरेट सेक्टर में व्यवसाय लोन के लिए, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? फिजिक्स का आपका एक क्वेश्चन है, आपको बताना था इलेक्ट्रॉन की खोज, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर सर जे जे थॉमसन। ओके, और दोस्तों यदि पूछ ले प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की, तो आपको एक ट्रिक यहाँ पर याद रखनी है, क्या ईंट पर नाचे। जी हाँ दोस्तों, ईंट से इलेक्ट्रॉन थॉमसन और पर से आपका प्रोटॉन का हो जाएगा क्या रदरफोर्ड, और नाचे से आपका न्यूट्रॉन का चैडविक। ओके, इन सभी को आप याद कर लेना। और भी आपके जो यहाँ पर माइनस चार्ज प्लस चार्ज कौन सा उदासीन होता है ये भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है घुमा फिरा के पूछ ले, बोलेगा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कौन सा होता है, या फिर आपका न्यूट्रॉन पे क्या होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन प्लस, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारे पास जितने क्वेश्चन अवेलेबल हुए हमने आपको बता दिए, लेकिन आप लोगों को एक मैसेज, क्या दोस्तों आपको एक काम करना है, क्या आपको आना है यूआर एग्जाम गोली की कम्युनिटी टैब पर, प्लीज अवश्य सपोर्ट करें। यहाँ पर मैंने बोला है एसएससी सीएचएसएल 18 मार्च, आपको जो प्रश्न याद है वो नीचे कमेंट करें, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर कमेंट अवश्य करें यदि आपको क्वेश्चन याद है तो। मैं पर डे यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, आप डेली जब भी आपका पेपर हो यहाँ पे आए और अपना कमेंट्स डाल दें यदि आपको क्वेश्चन याद है। तो फ्रेंड्स लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।